हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में परचेज रिटर्न जीएसटी की एंट्री को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करके कंपनी के मेन मेन्यू में एंटर होना है। हम यहाँ ऑलरेडी कंपनी के मेन मेन्यू में हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलाय में परचेज रिटर्न जीएसटी की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन पे एंटर करेंगे, डेबिट क्रेडिट नोट पे एंटर करेंगे, डेबिट नोट पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हम परचेज रिटर्न जीएसटी पे एंटर करेंगे। इनवॉइस डेट, यहाँ हमें परचेज रिटर्न की डेट डाल देनी है। नेक्स्ट इनवॉइस नंबर, यहाँ पे हमें परचेज रिटर्न का नंबर डाल देना है। एंटर कर देंगे अकाउंट कोड, यहाँ पे हम पार्टी का अकाउंट कोड सिलेक्ट कर लेंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट की लिस्ट आ जाएगी। एग्जिस्टिंग अकाउंट हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और न्यू अकाउंट के लिए आपको यहाँ पे दो बार लेफ्ट एरो की प्रेस करके न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट है एवी कैलकुलेशन मेथड, हम यहाँ पे जीएसटी ऑन नेट अमाउंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट है जीएसटी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप जैसे ही अकाउंट सिलेक्ट करेंगे तो अकाउंट से रिलेटेड जीएसटी की सभी डिटेल्स यहाँ अपने आप आ जाएंगी, लेकिन आप यहाँ चाहें तो इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि इनवॉइस टाइप को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पेज डाउन की प्रेस करके इनवॉइस टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, B2B इंपोर्ट्स, अनरजिस्टर्ड या अदर टैक्स पेड में से। नेक्स्ट टाइप ऑफ सप्लाई, आप जो भी परचेज रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स, सर्विसेज या कैपिटल गुड्स, वो आपको यहाँ पे पेज डाउन की प्रेस करके सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, आप जो भी परचेज रिटर्न कर रहे हैं अगर उसका टैक्स बायर को पे करना है तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्टी नोट नंबर, यहाँ पे आपको परचेज रिटर्न का इनवॉइस नंबर ही डाल देना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे रीजन ऑफ क्रेडिट डेबिट नोट, यहाँ पे आपको परचेज रिटर्न का रीजन सिलेक्ट कर लेना है। अगर रीजन यहाँ पे लिस्टेड ना हो तो आप यहाँ पे अदर्स सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट डू यू कन्फर्म, यहाँ पे आपको येस ऑप्शन सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे आइटम एंट्री के सेक्शन में, यहाँ पे आप जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने सभी आइटम की लिस्ट आ जाएगी। इसमें से आपको जो आइटम रिटर्न करनी है उसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर सकते हैं। अगर न्यू आइटम हो तो आपको यहाँ पे दो बार लेफ्ट एरो की प्रेस करके न्यू आइटम क्रिएट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको आइटम का रेट जिस यूनिट पे कैलकुलेट करवाना है, पीसेस, केजीज या मीटर्स, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ मीटर्स सिलेक्ट कर रहे हैं तो एम एंटर कर देंगे, क्योंकि हमने मीटर्स सिलेक्ट किया है तो हम यहाँ पे मीटर्स में वैल्यू डाल देंगे 100। उसका रेट हम यहाँ पे डाल देंगे 550। अमाउंट अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसी तरह से आप और भी एंट्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दो बार एस्केप की प्रेस करना है। ओरिजिनल बिल नंबर, यहाँ आपको वो परचेज बिल नंबर डाल देना है जिसके सामने आप परचेज रिटर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट अकाउंट रिमार्क्स, एंट्री रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन हो तो आपको यहाँ डाल देनी है। ब्रोकर, यहाँ पे अगर ब्रोकर डिटेल्स हो तो डाल देनी है। ड्यू डेज, यहाँ पे आपको पेमेंट के ड्यू डेज डाल देने हैं। इसी तरह से एंटर करते जाएंगे। जीएसटी कैलकुलेशन, यहाँ पे आप जीएसटी अमाउंट देख सकते हैं, टोटल टैक्स। यहाँ पे आपको एस्केप या लेफ्ट एरो प्रेस कर देना है, एंट्री सेफ हो जाएगी। डू यू कन्फर्म, यहाँ पे आपको येस ऑप्शन सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। वॉन्ट टू एडजस्ट दिस परचेज रिटर्न अगेंस्ट इट्स रिलेटेड परचेज बिल्स, अगर आपको परचेज रिटर्न की एंट्री को उसके परचेज बिल के सामने एडजस्ट करना है तो आपको यहाँ पे येस सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम परचेज की बुक कोड डाल देंगे। यहाँ पे हमारे सामने परचेज का बिल आ चुका है। अगर हमें परचेज रिटर्न की एंट्री को इस बिल के सामने एडजस्ट करना है तो हम यहाँ पे एक बार एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं परचेज रिटर्न अमाउंट एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पे हम एक बार और एंटर की प्रेस करेंगे और उसके बाद हम एस्केप की प्रेस कर देंगे। डू यू कन्फर्म, यहाँ पे आप येस ऑप्शन सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। हमारी परचेज रिटर्न जीएसटी की एंट्री सेव हो चुकी है। इस तरह से आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में परचेज रिटर्न्स जीएसटी की एंट्री को कर सकते हैं और उससे उसके परचेज बिल के सामने एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।